You're watching Exposed India. यूं तो हर सरकार अपने रंग से पहचानी जाती है और जब जब सरकार बदलती है प्रदेश को भी अपने रंग में रंग लेती है। कभी यहाँ नीला रंग दिखा तो कभी हरा और लाल रंग छाया रहा। एक बार फिर सत्ता बदल चुकी है और अब ये उत्तर प्रदेश भगवा रंग में रंगता नजर आ रहा है। प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी तो उसने इसे नीले रंग में रंग दिया था। यही नहीं, सिपाहियों की वर्दी पर भी नीला रंग चढ़ने लगा था। ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी ने भी अपने शासन काल में प्रदेश को हरे और लाल रंग में बदल दिया था। यही नहीं, लोहिया बसों को भी यही रंग दे दिया गया था। राशन कार्ड से लेकर स्कूली बच्चों के बस्तों और लैपटॉप पर भी लोहिया रंग चढ़ा नजर आया था। सियासत की रग रग में रच बस चुकी इस मानसिकता से भला बीजेपी कैसे बच पाती। यही वजह है कि भगवा रंग भी उत्तर प्रदेश को अपने आगोश में लेने लगा है। भगवा रंग ने बसों को तो अपनी गिरफ्त में पहले ही ले लिया है। अब लखनऊ के शास्त्री भवन स्थित मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भी इसका रंग चढ़ रहा है। अजीब विडंबना है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सफेद पोश सत्ता में आते ही रंग भेद की राजनीति करते नजर आते हैं। शायद उनके इन्हीं रंगों में उनकी भावनाएं निहित होती हैं। लेकिन नीले, हरे, लाल और भगवा रंग पर राजनीति करने वालों को ये समझना होगा कि जब तक सारे रंगों की मानसिकता एक नहीं होगी तब तक सफेद रंग तैयार नहीं होगा। सफेद रंग यानी सत्य का रंग, शांति का रंग और समृद्धि का रंग, और इन्हीं सारे रंगों से मिलकर बनता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। देखना होगा कि भगवा रंग सत्ता के गलियारों में कब तक अपनी पहचान कायम रख पाता है। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।